आपको पता है, एक रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग 70-87% लोग कुछ नया सीखने के बाद खुद में सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हो तो इससे आपका ब्रेन पावर इम्प्रूव होता है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, अपनी फैमिली और दोस्तों के बीच आपकी एक अच्छी इमेज बनती है। और हमारा ये फैक्ट चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है आपको हर दिन कुछ नया सिखाने के लिए। वीडियो अमेजिंग, वॉच टिल द एंड। आपने देखा होगा कई बार खाना पकाते टाइम तेल बहुत गर्म हो जाता है जिससे उसमें आग पकड़ लेती है और आपको लगता है पानी डालने से आग बुझ जाएगी, तो पहले ये वीडियो देखो। तो अगर खाना पकाते टाइम किचन में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है पेंसिल के ऊपर रबर क्यों लगा होता है? आपको पता है फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल दो एक जैसे दिखने वाले कैदी की वजह से शुरू हुआ था। हम स्टेपल पिन निगल लेंगे तो क्या होगा? और क्या आपको पता है माइक टाइसन ने एक बार गोरिल्ला से फाइट करवाने के लिए जूकीपर को $10,000 का घूस दिया था? सबसे पहले क्या आपको पता है फिंगरप्रिंट की शुरुआत कैसे हुई? लगभग 100 साल पहले दो लोग जो कि एक जैसे दिखते थे और उनके नाम भी एक जैसे ही थे, कंसास के एक ही जेल में भेजे गए। इस पिक्चर में लेफ्ट वाला बंदा विल वेस्ट है और राइट वाला बंदा विलियम वेस्ट। 1903 के शुरुआत में जब विल वेस्ट को जेल भेजा गया तो जेल के क्लर्क काफी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बंदा तो 2 साल पहले से ही जेल में है, दोबारा कहां से टपक गया। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले फिंगरप्रिंट का यूज किया जाने लगा। फिर 1905 में यूएस मिलिट्री ने इसे अडॉप्ट कर लिया और इसके बाद धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में यूज होने लगा। नेक्स्ट, पेंसिल के ऊपर रबर क्यों होता है? 30 मार्च 1858 को हाइमन एल लिपमैन ने पहली बार पेंसिल के ऊपर रबर लगाया था। बट क्या आपने कभी सोचा है कि पेंसिल के ऊपर रबर क्यों लगाया जाता है? बच्चे सबसे पहले पेंसिल से लिखना शुरू करते हैं क्योंकि वे काफी ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं और पेंसिल से लिखा हुआ मिटा सकते हैं, इसलिए पेंसिल के ऊपर रबर लगाए जाते हैं ताकि बच्चे अपनी गलती को सुधार सके। तो अब एक मेरी थ्योरी सुन लो। आपको याद होगा बचपन में एक्सटर्नल रबर से मिटाने में थोड़ा टाइम लगता था और अगर कभी गिर जाता तो साला इतनी बार टप्पा खाता था कि मिलने का नाम ही नहीं लेता था, शायद इसलिए भी पेंसिल के ऊपर रबर चिपकाया गया। नेक्स्ट, कॉपी पेन उठाओ और गिनती लिखना शुरू करो, 1 से लेकर 1 बिलियन तक। सही बात है, इतनी लंबी गिनती कौन लिखेगा? इंग्लिश अल्फाबेट का सेकेंड लेटर बी आपको बिना मेहनत के 1 सेकंड में 0 से 1 बिलियन तक पहुंचा सकता है। बी मीन्स बिलियन, है ना कमाल? ये क्या बात करता है यार। नेक्स्ट, क्या आपको पता है एक बार माइक टाइसन ने एक जूकीपर को $10,000 का घूस दिया था ताकि वो एक गोरिल्ला से उनकी फाइट करवा सके? एक्चुअली लगभग 30 साल पहले माइक टाइसन एक प्राइवेट जू में घूमने गए। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा गोरिल्ला बाकी सारे गोरिल्ला को परेशान कर रहा था। उन्होंने अटेंडेंट को पिंजरा खोलने के लिए $10,000 दिया और बोला कि मैं उस बड़े गोरिल्ला का मुंह तोड़ के वापस आ जाऊंगा, बट अटेंडेंट ने मना कर दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नेक्स्ट, पान में एक जंगल है। आप कहोगे जंगल तो भारत में भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आमतौर पर जंगल में हम घूमने, जंगली जानवरों को देखने और मंगल करने जाते हैं, अबे साले। लेकिन जापान का ये जंगल थोड़ा अलग है क्योंकि जापान के इस जंगल में लोग आत्महत्या करने जाते हैं। सही सुना आपने, जापान का ओकिगारा जंगल सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर हर साल करीब 100 लोग आत्महत्या करते हैं। नेक्स्ट, स्टेपल पिन निगल लेंगे तो क्या होगा? स्टेपल पिन गैल्वेनाइज्ड आयरन से बना होता है। इसके ऊपर जिंक की एक लेयर होती है जिससे इसमें जंग नहीं लगता, इसलिए हमारे पेट में जाने के बाद इसका पचना नामुमकिन है। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि यह हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को काफी नुकसान पहुंचा सकता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। बट हकुना मटाटा ब्रो, हकुना मटाटा, हमारा गट काफी स्मार्ट होता है। इसमें पाए जाने वाले न्यूरॉन्स शार्प ऑब्जेक्ट को बड़ी ही सावधानी से हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। नेक्स्ट, अगर खाना पकाते टाइम किचन में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? फायर फाइटर के अकॉर्डिंग सबसे पहले गैस को बंद कर देना चाहिए। अगर आग छोटी है तो इसके ऊपर नमक या बेकिंग सोडा डालने से भी आग बुझ जाएगी, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आग थोड़ी बड़ी है तो आपको उस बर्तन को किसी मेटालिक ढक्कन से ढक देना चाहिए, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगा आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट, हम नाखून क्यों चबाते हैं? जब हम स्ट्रेस्ड या बोर्ड होते हैं हम अपने नाखून चबाने लगते हैं। नाखून चबाने से आज तक कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट हमारे नाखून में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस पाए जाते हैं। नाखून चबाने से ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं जिससे हमारी बॉडी को इन्फेक्शन हो सकता है। बट अगर आप नेल बाइटिंग से बचना चाहते हो तो अपने नाखून को छोटा रखो और कोई गंदे टेस्ट वाले नेल पॉलिश यूज करो। नेक्स्ट, डर हमारे दिमाग में शुरू होता है। बट क्या आपको पता है डर फिजिकल होता है? सबसे पहले जब हमारी फटती है हमारे दिमाग में कार्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बढ़ जाता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। आप जोर से सांस लेना शुरू कर देते हो, आपके ब्लड का फ्लो चेंज हो जाता है, आपका खून आपके दिल में न जाकर आपके हाथ या पैर में जाने लगता है जिससे आपके लिए मुक्का मारना या भागना आसान हो जाता है। बेसिकली जब आप डरते हो तो आपका दिमाग आपको प्रिपेयर करता है फाइट करने के लिए। इस वीडियो के इंड स्क्रीन में मैंने दो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो डाला है जिस पर क्लिक करके आप अपना नॉलेज और बढ़ा सकते हो। जय हिंद।